नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गोड क्लासेज में दोस्तों अपन निम्मी की जो पी डी एफ है एम्पोबिलिटी स्किल्स की उसका अपन पूरा हल कर रहे हैं तो यह सीरीज़ आपको पूरी देखनी है क्योंकि आपको पता है जितने भी आई टी आई में क्वेश्चंस आते हैं वो तमाम क्वेश्चंस निम्मी की पी डी एफ से आते हैं तो जो आपकी जो पी डी एफ है उसका हम हिंदी में कन्वर्ट करके आप तक इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पी को आप ज़रूर पूरा देखेगा दोस्तों आपको तैयारी के लिए अभी से ही तैयार होना है क्योंकि एग्ज़ाम तक आते, आते आते आपको यह पी अच्छी प्रकार से पूरी तरीके से आप इसको याद कर पाओगे इसलिए आपको अभी से ही तैयारी करनी होगी दोस्तों लगातार हम सीरीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आज जो क्वेश्चन हैं वह इकतीस नंबर है इससे पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं आपके एम्पबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर के तो उनको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आपको प्ले का लिंक मिलेगा वहाँ पर क्लिक कर कर आप क्यूशन्स तक पहुँच पाएंगे ठीक है और हमने वैसे इस पी को टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे हम जैसे ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना उसके बाद हम इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे पी आपको किस चैनल पर मिलेगी टेलीग्राम के तो हमारे बी गोड क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम पर चैनल है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप ज्वाइन जरूर कर लेना क्वेश्चन से अपना जो कि इकतीस नंबर रोल मॉडल लोग उन्हें फॉलो करें तो रोल मॉडल लोग जो है ना प्रेरित करना को फॉलो करें ठीक है प्रेरित करना आपका यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा ध्यान रखना प्रेरित करना अगला जो क्वेश्चन है वह है रोल मॉडल लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं हालांकि उनके पास कमजोरियां हैं और वे अस मिलते हैं असफलताएं है। मतलब कि देखिए कमजोरियां होने के कारण क्या मिलती हैं असफलताएँ है, मिलती हैं तो यहां पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा थोड़े से अटपटे से क्वेश्चन आपको ये लगेंगे क्योंकि इम्पोबिलिटीज स्किल है और इसका कम्युनिकेशंस वाला संचार वाला चैप्टर है तो इसमें थोड़ा सा आपको मिस्टेकें देखने को मिलेगी मिस्टेकों का मतलब ये कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग इस में इसलिए आप इस वीडियो को दो या तीन बार जरूर देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ये मैं पहले कह देता हूँ शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि क्योंकि इम्पोबिलिटीज के साथ फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं ठीक है इसलिए आपको इसको दो या तीन बार ज़रूर देखना है तभी आप इन क्वेश्चनों को याद कर पाओगे अगला जो क्वेश्चन है मनुष्य स्वभाव से है मनुष्य स्वभाव से किस तरीके का है आदतों की खेती है और बेहतर इंसान बनाती हैं देखिए मनुष्य स्वभाव से अपूर्ण यानी कि पूरा पूर्ण नहीं है अपूर्ण है और यह अच्छी आदतों की खेती है जो एक बेहतर इंसान बनाती है यानी कि सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा अपूर्ण है और अच्छी आदतों की खेती है जो एक बेहतर इंसान बनाती है यानी कि इंसान को हमेशा अपूर्ण समझना चाहिए पूर्ण कभी भी नहीं समझना चाहिए कितना भी ज्ञान हो लेकिन हमेशा अज्ञानता से रहना चाहिए कि मेरे को कुछ नहीं आता कितना भी आओ लेकिन ऐसा होना चाहिए कि मेरे को कुछ नहीं आता और यही अच्छी आदतें क्या करती है इंसान को बेहतर बनाती हैं ठीक है थिकैं? ये ध्यान रखना अगला जो क्वेश्चन है किसी व्यक्ति में खामिया के समूह को कहा जाता है यानी कि अगर किसी व्यक्ति में खामियाँ है तो खामियों की खामियों के समूह को क्या कहा जाता है तो खामियों के समूह को कहा जाता है ताकत खामियों के समूह को क्या कहा जाता है ताकत कहा जाता है अगला जो क्वेश्चन है वह है रोल मॉडल की ताकत मिलती है रोल मॉडल की ताकत किससे मिलती है जबकि कमज़ोरियाँ मिलती हैं कमज़ोरियाँ किससे मिलती हैं देखिए रोल मॉडल की जो ताकत होती है ना वह है, रोल मॉडल की ताकत ध्यान देने से मिलती है जबकि कमज़ोरियाँ ध्यान नहीं देने से मिलती हैं ठीक है किसी भी वर्क में या किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दोगे तो ताकत कमज़ोर रोल मॉडल की ताकत ध्यान देने से मिलती है और कमजोरी कैसे मिलती है ध्यान नहीं देने से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आ, अगर आप पढ़ाई पर फोकस नहीं करोगे तो कमज़ोरियाँ बढ़ेगी और ताकत जो आपकी पढ़ाई की ताकत है वो कमज़ोर होती जाएगी और अगर आप ध्यान दोगे पढ़ाई पर तो पढ़ाई ऊपर उठाएगी आपको ध्यान मतलब तो कि आपको ज्ञानवान बनाएगी ठीक है तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन को आप समझ जाना अगला जो क्वेश्चन है वह है जब हम घर पर या दोस्तों के साथ होते हैं हम मौखिक संचार का प्रयोग करते हैं मान लीजिए जब अपन घर पर हो या दोस्तों के साथ हो तो उस टाइम पर जो अपन वार्तालाप करते हैं बातें करते हैं वह किस तरीके की बातें होती है तो वह अनौपचारिक बातें होती हैं ठीक है बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा अगला जो क्वेश्चन है वह है जब हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों प्रबंधकों और मालिकों को नमस्कार करते हैं उनका अभिवादन करो तो किसमें करते हैं देखिए तो अपन जब अधिकारियों प्रबंधकों और मालिकों से नमस्कार करते हैं ना तो उसको क्या कहा जाता है तो उसको अनो सॉरी औपचारिक रूप से किया जाता है अभिवादन उनका किस तरीके से किया जाता है तो औपचारिक तरीके से किया जाता है ठीक है अगला जो क्वेश्चन है वाचिक संप्रेषण न केवल है बल्कि भी हैं देखिए वाचिक संप्रेषण न केवल वाचिक यानी कि वाचन करना बोलना तो यह एक मौखिक है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो यह एक मौखिक है और बल्कि भी है और गैर मौखिक भी है वाचिक संप्रेषण जो होता है ना वह मौखिक भी होता है और गैर मौखिक भी होता है जिसमें हाथ पैर भी हिलाए जाते हैं हाथों को हिला हिला कर आप हाँ किसी को समझा रहे हैं तो वह गैर मौखिक भी कहलाएगा और मौखिक भी कहलाएगा अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन से जिसे हम बिना वचन के पर शरीर पर शरीर से बोलते हैं भाषा का उदाहरण है जिसे हम बिना वचन के पर शरीर से बोलते मान लीजिए आप मुँह से कुछ नहीं बोल रहे हो हाथों को हिला रहे हो या मुंडी को हिला रहे हो इस तरीके की भाषा को क्या कहा जाएगा तो इस तरीके की भाषा को अन्य कहा संचार कहा जाएगा ये ध्यान रखना मगे एक समान मुँह से बोला जाता है ये ध्यान रखिएगा अगले जो, जो क्वेश्चन से वह है परस्पर सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना कहलाता है परस्पर सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना क्या कहलाता है तो दूसरों के साथ काम करना बातचीत कहलाता है परस्पर सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना यानी कि बोलना क्या कहलाता है तो बातचीत कहलाता है ठीक है अगला क्वेश्चन जो कि है एक संगठन के भीतर संचार वरिष्ठों के साथ होना होता है और के साथ हो सकता है दोस्त और सहकर्मी देखिए एक संगठन के भीतर संचार संचार जो है ना वह औपचारिक वरिष्ठों के साथ हो सकता है और अनौपचारिक के साथ दोस्तों के साथ समझना इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि एक संगठन के भीतर संचालक यानी कि वरिष्ठों के साथ तो अपन औपचारिक वार्तालाप करेंगे और अपने दोस्तों के साथ या सहकर्मियों के साथ यानी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आप अनौपचारिक तरीके से वार्तालाप कर सकते हैं मान लीजिए कोई अधिकारी आ गया या कोई भी आपके टीचर आ गए तो उसको आप अच्छी तरीके से संवाद करोगे गालियाँ थोड़ी बकोगे उस टाइम पर या आप किसी तरीके का शब्द तो थोड़ी बोलोगे तो वहाँ पर औपचारिक बातें की जाती हैं जहाँ पर वरिष्ठ हो या टीचर हो या कोई भी हो और अपने जो दोस्त होते हैं या अपने सहकर्मी जो अपन जिसके साथ कार्य करते हैं काम करते हैं उनके साथ अपन किसी भी तरीके की वार्तालाप कर सकते हैं तो वह होती है हो अनौपचारिक ठीक है तो दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अनौपचारिक वार्तालाप किया जाता है और वरिष्ठों के साथ औपचारिक वार्तालाप किया जाता है तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन जो कि इंग्लिश वाला है इसको आप इंग्लिश में ही समझना तो बेहतर रहेगा गुड मॉर्निंग नाइस टू मीट यू यानी कि गुड मॉर्निंग यानी कि सुबह नमस्कार है ना प्रातः का नमस्कार और नाइस टू मीट मतलब कि आपसे मिलना अच्छा लगा ठीक है हाउ हैव यू बीन आर एग्जाम्पल यू हाउ हैव यू बीन ये किसका उदाहरण है तो ये मिलना है वार्तालाप करना है तो यह किस तरीके का उदाहरण है तो यह किस तरीके का उदाहरण है तो यह फॉर्मल ग्रेटिंग उदाहरण है ए ऑप्शन है यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा इस तरीके के क्वेश्चन को आप इंग्लिश में ही पढ़ना और इंग्लिश में ही इनका आंसर दे देना अगला क्वेश्चन से, राइटिंग ईमेल यानी कि ईमेल लिखना है लेटर लिखना है मेमोज ऑर्डर यानी किसी को भी ऑर्डर लिखना है फिलिंग फॉर्म्स लिखना है मिनट्स कॉन्ट्रैक्ट्स प्रपोजल्स एंड क्वाटिटेश और एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क पैलेस कम्युनिकेशन यानी कि इस तरीके के, के समाज को आप क्या कहोगे कार्य स्थल पर तो इस तरीके के जो समवाद होते हैं इनको अपन नॉन वर्बल कहेंगे ठीक है गैर मौखिक कहेंगे क्योंकि इनको मुंह से नहीं कहा जाता है, इनको लिखा जाता है किसी से व्हाट्सअप पर चैटिंग यह मौखिक समाज नहीं होता यह नॉन वर्बल समवाद होता है ठीक है अगला जो क्वेश्चन से वह है अवकाश पत्र लिखना संचार का हिस्सा है अवकाश के लिए अगर आप पत्र लिख रहे हो तो यह क्या मौखिक है अनौपचारिक हैं औपचारिक हैं या कोई नहीं तो यहाँ पर भी क्या आंसर होगा औपचारिक क्योंकि अपन अवकाश के लिए जो पत्र लिखते हैं वह अपन से बड़े अधिकारियों को लिखते हैं तो यहाँ पर औपचारिक ही आएगा ठीक है अब क्वेश्चन से फोर्टी फाइव नंबर कृपया सूचित किया जाता है कि कर्मचारियों की वार्षिक बैठक होनी है एक नवंबर को देखिए इसका आंसर क्या आएगा समझना यहाँ पर कृपया सूचित किया जाता है कि कर्मचारियों की वार्षिक बैठक पुष्टि होनी है मतलब कि पुष्टि होनी है यहाँ पर आएगा पुष्टि पुष्टि होनी है यहाँ पर भी डेट दे डेस है ध्यान रखना संचालित एक नवंबर को ठीक है पुष्टि होनी है और संचालन जो होगा संचालित जो होगी वह एक नवंबर को होगी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है यहाँ पर बस रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होता है यहाँ पर भी डेस है एक के आगे भी है ना यहाँ पर भी क्या है डे दे डेस है थोड़ा सा खाली स्थान यहाँ पर भी है और एक खाली स्थान यहाँ पर है तो पुष्टि तो आ जाएगा यहाँ पर और संचालित तो आ जाएगा यहाँ पर तो डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा तो आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं धीरे धीरे करते हुए अपन पूरी पी को अच्छी तरीके से पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो लगातार आप चैनल से जुड़े रहिएगा आपने हमारे साथ इतना समय दिया है तो चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो के लिंक आपको सबसे पहले मिले ताकि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और अपनी जो मार्कशीट है उसको अंकों से अच्छी तरीके से सुंदरता प्रदान कर सकें वीडियो को अंतिम में बस एक रिक्वेस्ट के साथ कहते हैं कि वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया